ना लेट एस स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पेज ऑन द लास्ट पेज वी हैव रेड द लास्ट लाइन आई डूइंग अगेन वैन द आर शुड कम टू सीज हिम कि जब सीज होता है कैप्चर करने का जब पकड़ने का सही टाइम होगा तो वो जो चीफ प्राइस्ड है और उनके सर्वेंट्स हैं उनको जीसस क्राइस्ट के तक पहुंचाएगा। एंड जुदास वॉज वॉचिंग फॉर द बेस्ट टाइम टू डू दिस ड्रेडफुल डीड ड्रेडफुल होता है टेरीबल वो कहता है जो जुदास है वो वॉच कर रहा था मतलब वो ताक में था फॉर द बेस्ट टाइम कि कौन सा बेस्ट टाइम होगा जब वो इस टेरिबल काम को करेगा डीड होता है काम वर्क दे केम इन टू द हाउस वह एक घर में आए एंड वेंट अप स्टेयर्स टू द लार्ज रूम और वो जो ऊपर अपस्टेयर्स मतलब ऊपर की तरफ गए जो लार्ज रूम था वहाँ पर वेयर दे फाउंड द ऑल रेडी जहाँ पर उन्होंने पाया कि जो डिनर था वो पूरी तरह से तैयार था जीसस वॉज लीनिंग एट द हेड ऑफ़ द टेबल जो जीसस थे वो टेबल पर झुके एंड जोन द डिसाइपल होम जीसस लव्ड मोस्ट और जो डिसाइपल था जॉन जिसको जीसस सबसे ज़्यादा प्यार करते थे वो सीटिंग नेक्स्ट टू हिम वो उससे जो जीसस क्राइस्ट थे उनसे आगे की सीट पर बैठा हुआ था मतलब उनके बिल्कुल पास बैठा हुआ था वाइल्ड ए व ईटिंग जब वो खाना खा रहे थे जीसस लुक टुक ब्रेड जीसस ने ब्रेड लिया एंड गेव थैंक्स और भगवान को धन्यवाद किया दैन ही ब्रोकिट तब उन्होंने उस ब्रेड को तोड़ा एंड पास्ट आ पीस टू ईच वन ऑफ द ट्वेल्व और जो उनके ट्वेल्व डिसाइपल थे उनको एक एक पीस उन्होंने पास किया सेइंग ये कहते हुए टेक एंड ईट ये लो और खाओ दिस इज माय बॉडी ये मेरा शरीर है विच इज़ ब्रोकन फॉर यू जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है मीन्स जैसे उन्होंने ब्रेड को तोड़ के उसको ट्वेल्व पार्ट्स में डिवाइड किया तो उन्होंने कहा कि ये मेरी बॉडी है जो मैं अब आप लोगों को दे रहा हूँ डू दिस एंड रिमेंबर मी तो जैसे ब्रेड है वो तो खाने के लिए ही था तो वो कहते हैं कि ये मैं बॉडी मैंने आपको दे दी है और आप इसको खाओ और मुझे याद रखना मीन्स यहाँ पे जो जीसस क्राइस्ट है वो उनको कह रहे हैं क्योंकि उनको पहले से ही पता था कि आगे क्या होने वाला है सो दैट्स वाई ही सिंग लाइक दिस आफ्टर वर्थ ही टुक द कप ऑफ वाइन उसके बाद उन्होंने वाइन का कप लिया एंड पास्ट एच टू एच वन और उन्होंने हर एक जो उनके डिसाइपल थे मतलब प्रत्येक डिसाइपल को वो पास किया विद द वर्ड्स इन शब्दों के साथ दिस कप इज़ माई ब्लड जो ये कप है ये इसमें क्या है मेरा ब्लड है शेड फॉर यू जो तुम्हारे लिए बहाया गया है या बहाया जाएगा And for many और बहुतों के लिए that their sins may be taken away sins होता है अपराध गुनाह कहते हैं कि ताकि जो उनके अपराध हैं उनके जो गुनाह हैं वो उनसे मुक्ति उनको मिल सके as often as you drink this remember me जैसे जैसे आप इसको पियोगे मुझे याद करना while they were still sitting around the table जब वो सभी टेबल के चारों तरफ बैठे हुए थे जीसस रोज़ अप, जीसस खड़े हुए एंड टू कोफ एंड टू कोफ हिज आउटर रोब और उन्होंने अपना जो तो आउटर रोब था उसको उतार दिया एंड देन टाइड अराउंड हिज वेस्ट आर लोंग टावल और उन्होंने जो उनकी वेस्ट थी उन उसके चारों तरफ एक टावल बांधा ही पोल्ड वोटर इन टू अ बेसिन उन्होंने एक बर्तन में वोटर डाला एंड वाइल ऑल द डिसाइपल्स ही कैरिड द वॉटर टू द फीट ऑफ वन ऑफ द डिसाइपल्स और जब वो सारे ये काम मतलब जिस जब ये कर रहे थे तो वो जो उनके डिसाइपल्स थे वो उनको वॉच कर रहे थे और तब उन्होंने देखा कि वो जो पानी से भरा हुआ बर्तन था वो एक शिष्य के पैरों के पास लाकर रख देते हैं एंड बिके टू वॉश दैम और उन जो शिष्य था उसके पैर धोना वो शुरू कर देते हैं जस्ट एज दो ही्फ वॉज अ सर्वेंट जैसे कि वो बिल्कुल ऐसे काम कर रहे थे जैसे कि वो खुद से एक सर्वेंट हों दैन ही वॉश द फीट ऑफ अनदर डिसाइपल फिर उन्होंने दूसरे जो डिसाइपल थे उनका उनके फीट धोए देन ऑफ स्टिल अनदर फिर उससे अगले वाले के मतलब ऐसे करके उन्होंने सभी जो डिसाइपल्स थे उनके पैरों को धोया वैन ही केम टू साइमन पीटर जब वो साइमन पीटर के पास आए पीटर कौन था उनका जो फेवरेट डिसाइपल था पीटर सेच टू हिम पीटर ने उनको कहा, दोस्त दो दो होता है कि यू दोस्त होता है डू यू कि ये आप क्या कर? मतलब उनका उसका कहने की सेंस थी आप ये क्या कर रहे हो लोर्ड वॉश माई फीट कि हे भगवान भगवान आप मेरे पैर धोओगे इस तरह से मतलब वो सरप्राइज भी था शोक भी था वहाँ पे और इस तरह से वो वहाँ पे बोल रहा था बेटा इन बिटवीन क्वेश्चन यू विल डू ऑफ दिस चैप्टर यू विल गेट फाइव क्वेश्चन फ्रॉम दिस टू पेजिस एंड रीड एंड रिफ्लेक्ट पार्ट ए थ्री क्वेश्चन यू विल गेट फ्रॉम दे बिकॉज दिस आर रिलेटेड टिल द चैप्टर वी हैव डन सो यू विल Write all these questions in your notebook in a very good handwriting. I hope you get this chapter. Thank you. Have a nice day.